अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा आलू मटर की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही टेस्टी बनती भी है। तो आइए देख लेते हैं कीमा आलू मटर हम कैसे बनाएंगे। आलू कीमा मटर बनाने के लिए मैंने यहाँ मटन का कीमा ले लिया है आधा किलो। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको एक छन्नी में रख दिया था। इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसको एक साइड रख देते हैं। दरमियाने साइज के तीन प्याज थे, मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। और यह है एक कप मटर, और यह है दो मीडियम साइज का आलू था जो मैंने क्यूब में काट लिया है। और यह है एक टीस्पून सफेद जीरा, यह है एक टीस्पून कसूरी मेथी। इसका फ्लेवर अच्छा आता है, आप डालें या स्किप कर दीजिएगा। यह है एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, एक टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट। और यह है तीन दरमियाने साइज के टमाटर थे जो मैंने स्लाइस में काट लिया है। एक टीस्पून है धनिया पाउडर, ये हाफ टी स्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून है हल्दी पाउडर, एक टीस्पून है खड़ा धनिया। धनिया मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है और दरदरा सा कर लिया है जार में। और यह है एक टीस्पून है गरम मसाला, ये एक टीस्पून है भुना जीरा पाउडर। और यह है नमक, नमक है एक टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से हसब जायका डाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसमें डाल देंगे 1/3 कप ऑयल। तेल को गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे अब जीरा। जीरा को थोड़ा सा करकल होने देंगे ताकि इसकी खुशबू रिलीज हो जाए तेल में। और इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे गुलाबी होने तक। प्याज को गुलाबी होने तक हमने फ्राई कर लिया है। प्याज यहाँ पे गुलाबी हो चुकी है। कीमा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। कीमे का अपना पानी होगा जो छोड़ेगा, उसको ड्राई कर लेंगे हम जब तक कि इसको भून लेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए पानी यहाँ कीमे का ड्राई हो चुका है। हाई फ्लेम पे करके कीमे का पानी जरूर से सुखा लीजिएगा। कीमे का पानी नहीं सूखता है तो कीमे की स्मेल चाहे जितना भून लीजिएगा वो बाद तक रहती है। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसमें डालेंगे ये सारे मसाले। मैंने इसमें से गरम मसाला पाउडर निकाल लिया है, वो हम लास्ट में डालेंगे। सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हम भून लेंगे। जब तक भूनेंगे कि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है और सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट सारे मसाले हमने डाल दिए हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको चलाया भी। और इसमें हम डाल देंगे ये हरी इलायची और लौंग। मैंने ले लिया था, थोड़ा सा रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद मैंने दरदरा किया। दरदरा करने के बाद अब इसमें हम इसको शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसको भी डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें ये गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से अब हम भूनेंगे ताकि सारी खुशबू जो है इसी में रिलीज हो जाए मटन के कीमे में। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। टमाटरों को इसी में डाल दिया है और इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसी में कसूरी मेथी और अच्छे से अब हम इसको भून लेंगे। जब तक भूनेंगे कि तब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो देखिए टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। अगर आपको और यहाँ पे गलाना है टमाटर को तो प्रेशर कुकर का ढक्कन ऊपर से ढक दीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर आपके गल जाएंगे। अब हम यहाँ पर डाल देंगे क्यूब में कटे हुए आलू, क्योंकि मटन का कीमा बहुत जल्दी गलता है तो हम आलू और ये मटर सब डाल देंगे एक साथ। और इसमें डाल देंगे हम 1 कप के करीब पानी। अच्छे से इसको मिलाएंगे। मटन का कीमा बहुत जल्दी गलता है इसीलिए मैंने आलू और मटर डाल दिया है। इसी के साथ गला लेंगे हम। अब इसमें हाई फ्लेम पे मैंने कर दिया, एक उबाल आ गई है और प्रेशर कुकर की लीड लगा देंगे 2 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे इसको हम पका लेंगे। इसका प्रेशर खुद से रिलीज होने देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और नेचुरली रिलीज होने दिया है इसको। और कुकर का लीड हटा लेते हैं। यहाँ मटन का कीमा बनके तैयार हो गया है। आपको ड्राई रखना है तो पानी न डालिएगा। अगर मटन का कीमा बना रहे हैं आलू मटर डाल के, अगर ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा सा डालिएगा। तो यहाँ पे ये तैयार हो गया है। हम इसमें डाल देते हैं कटा हरा धनिया। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है, क्योंकि हमने 4 से 5 लौंग, 4 से 5 इलायची थोड़ा सा रोस्ट करके दरदरा करके इसमें डाला है तो बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है। बहुत बेहतरीन ये मटन का कीमा आलू मटर जो ऐड किया हमने, बहुत बेहतरीन बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। अब हम आलू मटर कीमा सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से बन गया है। बहुत ईजी है बनाना। ट्राई ज़रूर करिएगा इंशाल्लाह। आप कभी
मटर कीमा बहुत अच्छा और लाजवाब बनेगा। इसको पराठे से खाइएगा, नॉर्मली रोटी से खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।